रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओलिविया हेयर कलर की रिव्यू, जो मेरे पास मौजूद है यहाँ पर, बरगंडी कलर। इससे पहले भी मैं ओलिविया हेयर कलर का रिव्यू दे चुका हूँ। वो मैंने मतलब एक अलग ही बहुत ही अच्छा कलर था, वो कॉपर कलर जैसे जंक टाइप का कलर होता है उस तरह का कलर था। और जो मैंने यूज़ किया, काफ़ी अच्छा मुझे इसका रिजल्ट मिला और इसके व्यूज़ भी काफ़ी आए थे। वीडियो चैनल में मौजूद है, आप देख सकते हैं। कमेंट्स भी काफ़ी किए थे लोगों ने, काफ़ी वीडियो काफ़ी पसंद आई थी, कलर भी काफ़ी लोगों को पसंद आया था। तो ये भी ओलिविया का है और ये बरगंडी कलर है, तो मैं यूज़ कर चुका हूँ और ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको काफ़ी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट मिल जाएंगे, मेकअप प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। और ओलिविया काफ़ी पुरानी कंपनी है पाकिस्तान में, और ये आपको ये देखिए 280 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पर प्राइस भी मेंशन है, देख सकते हैं, सॉरी 290 रुपये में आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको काफ़ी सारे शेड्स, काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे अवेलेबल इन दिस कलर्स का। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कार्ड, तो ये सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा कलर है और ये आपको इजीली किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा, मेडिकल शॉप से मिल जाएगा, किसी भी सुपर मार्ट से मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इसका कलर जो है बरगंडी 08, बहुत ही अच्छा कलर है। यहाँ पर कुछ इस तरह से स्क्रैच वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं स्क्रैच कर लेता हूँ। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कोई आई थिंक कोई 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 नाम वगैरह होगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये शायद उसकी जो ओरिजिनल और फेक है उसकी ये पहचान है, इस तरह का यहाँ पर स्क्रैच दिया हुआ है, तो वो ओरिजिनल है, असली पैकिंग है, असली प्रोडक्ट है। तो मैं खोल कर भी दिखा देता हूँ आपको। इसमें इस तरह की आपको ये दो ट्यूब्स मिल जाएंगी, और ये डेवलपर पर मिल जाएगा, और ये क्रीम मिल जाएगी, और यहाँ पर एक वाउचर दिया हुआ है कार्ड, तो इसमें उर्दू में भी तरीका लिखा हुआ है मिलाने का तरीका, और इसको किस तरह से यूज़ करते हैं तो मैं बता चुका हूँ। हर वीडियो में जो कि हेयर कलर होता है, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से कलर करते हैं। आपने कलर करने से पहले एक दिन पहले अपने हेयर वॉश कर लेने हैं, बालों को वॉश कर लेने हैं, और अगर ना भी करें तो कोई बात नहीं। अगर आपके बालों में ऑयल है या मतलब वॉश नहीं किए, तो तब भी हेयर कलर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर भी एक दिन पहले हेयर वॉश करें, दूसरे दिन आपने हेयर कलर करना है। और हेयर कलर करने का तरीका ये है कि आपने अपने बाल वॉश कर लिए एक दिन पहले, और अगर नहीं है टाइम तो उसी दिन आपने हेयर कलर करने से पहले शैम्पू करें। शैम्पू करने के बाद, सॉरी, हेयर कलर करने के बाद शैम्पू बिल्कुल भी ना करें, इससे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, गिरने लगते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि हेयर कलर करने के बाद शैम्पू बिल्कुल भी ना करें, एक या दो दिन बाद करें शैम्पू, ठीक है? तो कंडीशनिंग कर सकते हैं हेयर कलर करने के बाद, तो बस आपने एक दिन पहले वॉश कर लिया, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। और हाँ, आपने अगर आपके बालों में ऑयल भी है तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, उस पर आप हेयर कलर अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे बालों को नुकसान नहीं होता, क्योंकि मोस्टली जितने भी कलर होते हैं वो बालों को ड्राई डैमेज करते हैं। तो जब आप कोई कलर यूज़ करें तो उसमें कुछ कतरे जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं उसके डाल लिया करें। और इसका तरीका ये है कि अगर आपने ये कलर यूज़ करना है, तो इस डेवलपर को खोल कर और इसकी सारी जो क्रीम की मिकदार है इसमें आपने डाल देना है, इसको अच्छे से शेक करना है और अपने बालों पर अप्लाई कर देना है। अगर आप कम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने हाफ लेना है ये डेवलपर, और हाफ ट्यूब लेनी है, और इसको अच्छे से मिक्स करना है और बालों पर लगाना है तकरीबन 20 से 20 मिनट तक। मोस्टली आप आधे घंटे तक लगा सकते हैं, 30 मिनट तक, उससे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा लगाएंगे तो बाल आपके डैमेज हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जब 20 से 30 मिनट बाद आपने नॉर्मल टैप वाटर से अपने बालों को वॉश कर देना है, और कोई भी कंडीशनर अप्लाई कर लें, और 5 मिनट बाद फिर से वॉश कर लें, लेकिन आपने शैम्पू हरगिज़ नहीं करना है। उसके बाद पैट ड्राई कर लें, बालों को झटका देकर बिल्कुल भी ड्राई ना करें, ना हेयर ड्राई से, जैसे आपने पैट ड्राई करना है या टॉवल लपेट लेनी है। और अगर पूरा यूज़ करें तो सारा आपने ये डेवलप लेना है, क्रीम लेनी है, नहीं तो हाफ हाफ लेना है, हाफ क्रीम लेनी है, हाफ डेवलप लेना है, और इसको मिक्स करके बालों पर किसी भी हेयर ब्रश से अप्लाई कर लें। और बालों में, सॉरी, हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहने, अगर ना पहने तो फिर भी एहतियात करें,
और जैसे मैंने बताया सर्दियां हैं तो नॉर्मल अपने हल्के नीम गर्म पानी से अपने बालों को वॉश कर लेना है। और शैम्पू कर सॉरी हेयर कलर करने के बाद आपने अगर आप किसी पार्टी वगैरह में नहीं जा रहे तो थोड़ा सा हल्का सा ऑयल अपने बालों में लगा लें। इससे और ज़्यादा फायदा होता है, आपके बाल ड्राई डैमेज नहीं होते, कमज़ोर नहीं होते और हेयर कलर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो काफ़ी अच्छा कलर है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, मैंने यूज़ किया हुआ है, आप ट्राई कर सकते हैं और इजीली मिल जाएगा। आप अपने चॉइस के मुताबिक, ये देखें यहाँ पर काफ़ी सारे कलर्स हैं, उनका नंबर भी दिया हुआ है, आप बाय कर सकते हैं और 290 रुपये में आपको मिल जाएगा। और पैकिंग भी काफ़ी खूबसूरत है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं ट्राई किए तो ये आपके ग्रे और वाइट हेयर को भी कवरेज करता है। और अगर आपके बाल डार्क ब्राउन है या ब्लैक है तो 2-3 बार में ये कलर आपको देगा, वन टाइम में नहीं देगा। जब 2-3 बार आप ये कलर करेंगे तो आपके जो डार्क ब्लैक हेयर है या ब्राउन है तो 2-3 आपने सेक्शन लेने के बाद 2-3 बार आप ये कलर करेंगे अप्लाई, तो उसके बाद वो कलर आपको अपने बालों पर दिखने लगेगा। और अगर आपके ग्रे वाइट हेयर है तो ये सेम रिजल्ट उसी वक्त आपको रिजल्ट देगा, जो कलर होगा जो आपने यूज़ किया है वही कलर बालों पर देगा। तो काफ़ी अच्छा है और ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है जो इजीली आपको मिल जाएगा। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।